देखिए एक टिप्पणी कोर्ट ने की है, इसमें कोर्ट एक रास्ता देख रही है कि एक कमेटी बनाई जाए जो कमेटी जो है किसानों से बात करे। मेरे विचार से वो कमेटी अगर हमारे पास आती है हमें उसी से बात करनी चाहिए, हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। एक बात, दूसरी बात, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और आज 22 दिन तक हम यहाँ जमे बैठे हैं, हम तभी तो जमे बैठे हैं कि हम जानते हैं कि हमारी लड़ाई सही है और सरकार जो कानून लेकर आई है वो गलत है, देश को बर्बाद करने वाले कानून। अगर कोर्ट हमारी इस बात को मानती है, सरकार नहीं मान रही कोई बात नहीं, कोर्ट माने, अगर कोर्ट मान रही है तो ठीक है, हम कोर्ट का फैसला मान लेंगे। अगर कोर्ट नहीं मानती, कोर्ट को भी समझ में नहीं आती है, कोर्ट भी सरकार के हिसाब से सारे काम करती है, तो हम पे कोई बंदिश थोड़ी कि हम कोर्ट का फैसला माना नहीं मानते। हम तो बहुत सीधी सी बात है, कोर्ट हमारी माई बाप थोड़ी है, कोर्ट न्याय करने के लिए है। क्योंकि हम ये जान रहे हैं जो अयोध्या का मसला आया, अयोध्या के मसले में न्याय नहीं हुआ और कोर्ट भी इस बात को स्वीकार कर रही। कैसे? अयोध्या के मसले में कोर्ट ने कहा कि वहां पे मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़ा नहीं गया, वहां पर मस्जिद थी, मस्जिद ही तोड़ी गई, वहां पर मंदिर की कभी कोई पूजा नहीं हुई और मंदिर के संबंधित कागज भी उनके पास नहीं है। इतना सब कुछ मानने के बाद भी कोर्ट ने उन्हीं को वो मंदिर की जगह दे दी जिन्होंने उसको मस्जिद को तोड़ा, जिनके पास कुछ भी नहीं था, तो न्याय उसमें नहीं हुआ। जबकि कोर्ट ने जो हवाला दिया अनुच्छेद 142 का हवाला दिया, अनुच्छेद 142 कहता है कि जब कंप्लीट जस्टिस करना हो उस समय आप अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर सकते हैं। कोर्ट ने उसका प्रयोग किया लेकिन उसमें लिखा वर्ड जो लिखे कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय। अब मुझे आप बताइए कि जब आप मान रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने तोड़ी, इनका कोई मतलब ही नहीं है, उन्हीं को आपने दे दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि कल मेरे घर को कोई भी आके तोड़ जाए और कहने लगे ये घर मेरा है तो आप मुझे गगैर रहने दे, झगड़ा हो जाएगा, तू रहने दे, इन्हीं को दे दे, इसका ये क्या ये न्याय है क्या? इसका मतलब ये भी है कि न्याय प्रक्रिया कहीं कमजोर है। इसका मतलब ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उन चंद लोगों से जो इस तरह का आतंक फैला रहे हैं उनसे डर रही है? तो अगर डरेगी तो न्याय कैसे करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ही अगर डरने लगेगी तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? इन सारी चीजों को समझते हुए जो हमें नजर आ रहा है, हमारा बहुत स्पष्ट है, हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट जिस कमेटी को नियुक्त करती है अगर हमारे पास आती है हमें अपना पक्ष रखना है, जो बिल्कुल हर किसी को मालूम है। कोर्ट उसे एक्सेप्ट करती है बहुत अच्छी बात है, नहीं करती है तो हम आंदोलन पे हैं, ये बहुत सीधी बात है। देखिए बीच में एक तो नहीं लग रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो जत्थेबंदियां जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया है, मुझे नहीं लगता कि एक भी जत्थेबंदी उनमें से कोर्ट जा रही है और ये कह रही है कि जो कोर्ट कर देगी हम उसको स्वीकार कर लेंगे। जो लोग ये बात कह रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं सरकार के दलाल हैं, सरकार से मिले हुए हैं, बहुत स्पष्ट है इसमें। क्योंकि जब हमें मालूम है, देखिए ऐसे ही नहीं है सारी बातें क्यों हो रही हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है, लोग इसके कानूनी चीजें नहीं समझ पा रहे और इसके जो प्रभाव दूरगामी पड़ेंगे उसको समझ नहीं पा रहे। और मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूंगा जो कोर्ट है क्योंकि उस पर बहुत लोगों का भरोसा है, उसे अपना भरोसा, लोगों का भरोसा उसे कायम रखना है, तो वो न्याय करे जी। और न्याय करने के लिए केवल एक ही चीज को, ज्यादा नहीं, केवल दो चीजों को अगर समझ ले। नंबर एक, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो सारी सीमाएं हटा दी गई हैं कि कितना भी स्टॉक कर सकते हैं, अगर केवल इस बात को कोर्ट समझ ले तो कोर्ट को समझ में आ जाएगा कि अगर इस तरह से सीमा हटा दी गई तो व्यापारी जितना भी अनाज है, जितना भी खाने पीने की चीजें हैं, सबका स्टॉक कर लेगा और आने वाले समय में आर्टिफिशियल जो है महंगाई, जो मतलब उसकी कमी है, उसको दिखाएगा। लिहाजा वो कहेगा कि भाई है ये चीजें है नहीं, आपने देखा होगा जिस तरह से 8000 टन से ज्यादा दाल बरामद की गई उस समय गोदामों में से, जिस समय दाल का भाव 200 रुपए किलो पहुंच गया, तो जब घर में ही 8500 टन दाल थी तो भाव कैसे पहुंच गया? बहुत सीधा सा था, व्यापारियों ने दबा ली और उसकी कमी दिखा के उसके दाम बढ़ा दिए। हमेशा यही होता है। आज की तारीख में भी आप देखेंगे कि आलू, नया आलू जो किसान से लिया जा रहा है 5 रुपए 6 रुपए किलो, मिल के अभाव रहा है 40 रुपए किलो से कम मार्केट में नहीं है। आपको मैं लेके आता हूं, मैं देखिए अपने लिए, तो ये स्थिति है। प्याज 50 रुपए किलो किसान से ली जा रही है 5 रुपए और 6 रुपए किलो, जो
जो लहसुन है वो लहसुन लिया जाता है सरकारी रेट पर 35 रुपए किलो, वो भी जो क्वालिटी जो ग्रेड जो वो चीज स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन उससे अलग वो तो मुश्किल से 6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए 10 रुपए किलो लिया जाता है। लहसुन बिक क्या भाव रहा है, लहसुन 200 रुपए से 400 रुपए किलो तक बिक गया। सरकार को नहीं समझ में आता कि इतनी महंगाई कैसे हो रही है, कहां से हो रही है। प्याज कहते हैं नहीं, और प्याज जब आपको एक्सपोर्ट करनी हो तो सारी मिल जाती है आपको, प्याज जब आपको महंगी देनी होती है सब मिल जाती, कहां से आ जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने उस पर लिमिट हटा दी गई है, कल आने वाले समय में यह होगा कि व्यापारी पूरा स्टॉक कर लेगा, और जो आपने 2013 में एक एक्ट बनाया, सरकार ने एक्ट बनाया फूड सिक्योरिटी बिल, यानी कि इस देश के जो 82 करोड़ लोगों को खाना देने के लिए आपने जो कानून बनाया है, जिसके तहत आज की तारीख में 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज और 1 किलो चना दे रहे हैं, उस कानून का क्या होगा आप? उस कानून के तहत लोगों का कैसे खाना दोगे आप जब पूरा स्टॉक ही हो जाएगा? और इसके अलावा सरकार ने अपने आप को अलग करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका सोचा है। सरकार इस मार्केट से पूरी तरह से जाना चाहती है, जैसे नीति आयोग की 2017 की सरकार की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि इससे आप बिल्कुल पूरी तरह से हटें। अब क्या सरकार ने किया, कह रही है कि एमएसपी मिलेगा, पर मुझे आप ये बताइए कि आप हैं किसान, मैं हूं पूंजीपति व्यापारी, मेरा और आपका समझौता हो गया, जो एक्ट है ना एग्रीमेंट वाला जो एक्ट है, जब मेरा और आपका समझौता हो गया और उसमें क्या मुझे उगाना है, किस क्वालिटी का उगाना है, किस ग्रेड का उगाना है, किस स्टैंडर्ड का उगाना है और क्या उसकी कीमत होगी, तो आप और मैं हुए ना उसके जिम्मेदार, कीमत आपके और मेरे बीच में तय होगी। सरकार ने क्या किया है उसी में सरकार ने उसी में उस एक्ट में एक सेक्शन बना दिया है कि इसके लिए किसी भी तरह से ना कोई उसके खिलाफ सिविल सूट फाइल होगा, ना ही उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस फाइल होगा, ना ही किसी तरह की कानूनी कार्रवाई होगी इसमें, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ना स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ना जितने अधिकारी जैसे एसडीएम एडीएम डीएम है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसका मतलब अपने आप को सरकार ने बचा लिया कि भाई हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो भी कर दिया सो कर दिया। अब जब कीमत आपके मेरे बीच में तय हो गई और कल झगड़ा होगा तो आप कह दोगे एसडीएम के यहां जाओ, एडीएम के यहां जाओ। एसडीएम और एडीएम किसके हैं? उसी सरकार के, उस सरकार के जो उद्योगपतियों की गुलामी कर रही है, जिस देश का प्रधानमंत्री केवल 2 उद्योगपतियों की गुलामी जाके करता हो, उनकी चौखट को ज्यादा बढ़िया समझता हो, उस देश में अधिकारियों की क्या औकात है कि वो सुनेंगे? और उनको पहले ही प्रोटेक्ट कर दिया कि तुम चाहे जो ऑर्डर पास कर दो तुम्हें कुछ नहीं। गरीब जो किसान जो है वो बेचारा कमजोर है, गरीब है, उन उद्योगपतियों से कैसे लड़ेगा जिन उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री को अपनी जेब में रखा हुआ है? आप बताइए आप, जब जो उद्योगपति प्रधानमंत्री को जेब में लेके घूम रहे हैं उनसे गरीब आदमी किसान कैसे लड़ेगा? दूसरा, जब कीमत आपकी मेरी तय हो गई, सरकार अलग हट गई, तो अब आपका मेरा झगड़ा है। सरकार कहती है भैया मैंने तो तुमने पहले कि तुमने अपने आप एग्रीमेंट किया, मैं क्या हूं? और जब आपकी मेरी कीमत तय होगी और इसी तरह से पूरे देश में हो जाएगा, मतलब जो उद्योगपति पूंजीपति हैं पूरे देश का अनाज, पूरे देश की किसान की उपज वो अपने गोदाम में रख लेंगे। फिर अब ये बताइए कि जो एपीएस फेयर प्राइस शॉप हैं, राशन की दुकानें हैं, राशन की दुकान पीडीएस सिस्टम जो है उनके लिए, जो 5 लाख दुकानें हैं इस देश में उनके लिए अनाज कहां से लेके आओगे आप? जो 80-82 करोड़ लोग हैं उनके लिए कहां से आप खाना दोगे आप? इसका मतलब यह हुआ कि किसानों को तो मार ही दिया आपने, उन 80 करोड़ मजदूरों को गरीबों को भी आपने पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये स्थिति है, इसको समझने की जरूरत है। और जब प्राइस आपका मेरा तय होगा, एमएसपी का मतलब क्या है? एमएसपी क्या, एमएसपी अगर कानून भी बना दोगे आप तो एमएसपी का मतलब क्या रह जाएगा? क्योंकि जो कीमत है वो तो आपकी और मेरी तय होगी, उसी पे झगड़े होने जो भी कुछ। तो ये सरकार मूर्ख बनाने की, और यही बात अदालत को भी समझनी चाहिए, यही बात इस देश के हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। अफसोस ये है कि लोगों ने कानून पढ़ा रही है सिंघू बॉर्डर पे और आपने हमारे टीकरी बॉर्डर पे, जहां भी हमारे किसान साथी हैं सबको बहुत सजग रहना है, बहुत होशियार रहना है। इनके इनकी नजर में देखिए, जो व्यक्ति जो है ना जिसके सत्ता की हवस, जिसकी मतलब बिल्कुल सारी सीमाएं तोड़ चुकी हो, वो कहीं भी कितने भी हद तक जा सकता है। और आप सबने 84 भी देखा है, आप सबने 2002 गुजरात का दंगा भी देखा, सब कुछ सब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मैं ये जानता हूं अगर आप जैसे बहादुर इनको खत्म कर दिया गया तो उनके लिए हिंदू राष्ट्र की घोषणा बहुत आराम से बहुत हो जाएगी। तो मेरा तो यही कि हम सबको बहुत सतर्क रहना है, बहुत संभल के चलना है और बहुत तरीके से काम करना है। और मैं आपके माध्यम से जहां तक भी लोग देख रहे हैं मुझे, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है,
जो भी मुझे मानते हैं सबसे यही निवेदन करूंगा, ये लड़ाई सिंघू बॉर्डर की नहीं है, ये लड़ाई टिकरी बॉर्डर की नहीं है, किसानों की नहीं है, ये लड़ाई हर किसी की है। हमारे किसान भाई, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश को बचाने की, इस देश के संविधान को बचाने की, इस देश की जनता को, गरीबों को, मजदूरों को, पढ़े लिखों को, अनपढ़ को, अमीर को, गरीब को, सबको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें हर किसी को इसका साथ देना चाहिए, और कम से कम एक महीने में एक दिन तो हम निकाल सकते हैं, अन्यथा तो हम इंसान नहीं मुर्दे हैं, और हम मुर्दे हैं तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं, पर अगर जिंदा हैं तो जिंदा होने का सबूत भी मिलना चाहिए। इसलिए हर किसी को, जिस बॉर्डर पर भी जा सकते हो आप, टिकरी बॉर्डर जा सकते हो वहां पहुंचो, आप यहां आ सकते हो सिंघू बॉर्डर पर, यहां पर आओ, आप गाजीपुर बॉर्डर जा सकते हो वहां जाओ, आप रेवाड़ी बॉर्डर जा सकते हो वहां जाओ, और कोई भी रास्ता वहां बैठ सकते हो जाओ, क्योंकि सबकी लड़ाई है। अगर एक भी खत्म हुआ तो फिर कोई नहीं बचेगा। इसलिए मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सब लोग इस लड़ाई में तन मन धन से पूरी ईमानदारी के साथ में साथ दो। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा सर, आपके माध्यम से क्षमा चाहता हूं। एक मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी, आपसे सबसे कर रहा हूं, दुनिया भर में जहां भी हैं, रिलायंस के यानी अंबानी के और अडानी के और लाला रामदेव के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जहां भी रिलायंस लिखा हो, जिस जगह पे भी, उसका पूरी तरह से बायकॉट करो। जहां पे अडानी लिखा हो, जो फॉर्च्यून उनका आटा भी है, तेल भी है, चावल भी है, जो भी कुछ है, जहां पे लिखा हो उसका पूरी तरह से बायकॉट करो। लाला रामदेव के जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन सबका बाय, रुचि तेल है, और इसके अलावा जो पतंजलि के हैं, जितने भी इनके प्रोडक्ट हैं, इनका बायकॉट करो। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, अभी अंबानी ने, रिलायंस वाले ने TRAI जो है यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, उसमें एक पिटीशन फाइल करी है कि ये वोडाफोन और ये एयरटेल वाले किसानों के साथ मिलकर हमारे कंपनी के खिलाफ में वो कर रहे हैं। इसका मतलब आपको उसकी चीख सुनाई देने लगी। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये बायकॉट हमारे पास इतना बड़ा हथियार है, यही सारी चीजों को रोक देगा, सरकार अपने आप पीछे हट जाएगी, गोदी मीडिया कुछ भी करे, लेकिन जहां भी रिलायंस का स्टोर देखो, पूरे देश में 8,784 स्टोर हैं, एक भी स्टोर पर मत जाओ, कुछ भी लेना दूसरी दुकान से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो रिलायंस का फोन है, जियो का फोन है, चाहे कितना भी बढ़िया हो यार, अगर जहर कितना भी खूबसूरत प्याले में आपको दिया जाएगा तो पी लोगे क्या, मर जाओगे क्या? नहीं, हमें इस्तेमाल नहीं करना। कितनी भी बढ़िया उसकी पहुंचो, फ्री में दिया जाए, लालच दिया जाए, हमें नहीं करना, क्योंकि ये लड़ाई है। इसी तरह से अडानी के जितने प्रोडक्ट है, उनका पूरी तरह से बहिष्कार करो, ये बहिष्कार ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। रिलायंस के जितने पेट्रोल पंप है, मत जाओ किसी पर डीजल लेने, पेट्रोल लेने, लगा दो इन पर ताले, लग जाने दो इन पर ताले, यही मेरा सबसे निवेदन है, पूरी दुनिया में है यही एक चीज। आप घर में बैठे बैठे भी हमारा साथ दे सकते हो, यहां नहीं आ सकते कोई बात नहीं, पैसा नहीं दे सकते मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां भी हो इनका पूरी तरह से बहिष्कार करो, पूरी तरह से बायकॉट करो। हमारे लिए यही एक बहुत बड़ा आपका योगदान होगा।